पहले तो मैं आपको वेलकम करूंगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। फिंचों के हवाले से होता है ये, फिंचों की जैसे आप मटकी वटकी लगाते हैं फिंचों की, ये भी टोकरी लगाई जाती है। ये टोकरी जो है फिंचें जल्दी एक्सेप्ट करती हैं। इसके अंदर वो एक आया है अनब्रेकेबल, यानी आप 10 दफ़ा भी इसको गिराओगे तो इंशाल्लाह ये नहीं टूटेगा। ये एक अभी ट्रेंड चल रहा है जैसे मटकी के ऊपर या बॉक्सेस के ऊपर जो है ना वो लगाया जाता है, स्टिक लगाई जाती है। बिल्कुल, तो स्टिक मेरे पास माशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म की मौजूद है। ये एक और दाने का पॉट है जो कि बड़े परिंदों के लिए। ये फिंचों के एक छोटे वाले कोने में आप देख रहे हैं बराबर में कबूतर के एग आ गए, उसके बाद आ गए फिशर्स के, आ गए फिशर्स के लोटीनों के, फिर ये मुर्गियों के एग हैं। फिंचों के हवाले से बेस्ट होता है, इसमें मुख्तलिफ साइज़ के आपको इसके होम्स मिल जाएंगे। इसी बोतल लगा देनी है। अच्छा, अब आपने लीटर लगानी है, जंबो लगानी है या हाफ लीटर लगानी है, जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है वो लग जाएगी इसके अंदर आराम से। इसको आपने ये वापस ऊपर किया है, आपका पानी आना शुरू होगा, आपको इसको सपोर्ट देने के लिए एक तार बांधना पड़ेगा। ये फिंचों के हवाले से बेस्ट है। फिंचें खासतौर पे दाना जो गिराती हैं उस हवाले से ये सीड होपर के नाम से कहलाता है। ये तमाम किस्म के तमाम माशाल्लाह वैरायटी आपके पास मौजूद है। स्टिक की क्वान्टिटी में चाहे मिल सकती है, जितनी क्वान्टिटी में लेंगे तो डिस्काउंट ज़रूर मिलेगा। ये पाकिस्तानी पॉट है, ये आपको 200 रुपीज़ का मिलेगा। ये स्पेशल क्वालिटी है, यानी कि प्लास्टिक इसमें एक नंबर लगाया हुआ है, छोटा सा ये देखें ये प्योर प्लास्टिक में बना हुआ है। अच्छा, मैं झूले देख रहा था आपके पास, झूले तकरीबन हर साइज का आपके पास झूला है। झूले आपने देखे, एक झूला ये भी आया हुआ है जो कि नेचुरल लुक देता है। मेरे पास इंक्यूबेटर भी मिल जाएंगे आपको मुख्तलिफ एग के। कस्टमर आके बोलते हैं कि आपने लगाया टूट गई, टूट तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुख्तलिफ साइज़ के, मुख्तलिफ कलर के और मुख्तलिफ कंपनियों के ये डिस्पेंसर हैं। अच्छा देखिए, मेरे पास बॉक्सेस भी बहुत मिलेंगे हर किस्म के। ये आपको ये जैसे आप ये देख रहे हो ये वाले, ये फिंच का बॉक्स है, ये छोटा साइज है, ये पड़ेगा आपको 60 रुपीज़ का। इसका बड़ा साइज है 70 रुपीज़ का। अच्छा, आपके पास स्टिक की भी तमाम किस्म की वैरायटी नज़र आ रही है। ये पॉट्स हैं, ये हर परिंदे में इस्तेमाल में आएंगे, यानी आप बजीज को भी दे सकते हो, फिशर को भी, पानी के ये पॉट्स हैं सारे। ये भी पानी का है, इसमें ये इसका छोटा पानी का मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। लालू खेत मार्केट में लोग बर्ड्स लेने तो आते हैं, लेकिन लालू खेत मार्केट में ये मुझे एक मुकम्मल शॉप लगी, क्योंकि इनके पास तमाम किस्म के, मतलब जितनी भी एसेसरीज़ हैं बर्ड्स की, वो एक कंप्लीट इनके पास कलेक्शन है। मतलब मैं अगर चारों तरफ आपको दिखाऊं तो हर तरफ इनके पास हर चीज़ मौजूद है, प्लस इनके पास मेडिसिन का भी तमाम कलेक्शन है। और हम इस वक्त मैं पॉट की तरफ आया हूं, और मैंने एक स्पेशल पॉट्स देखे जो मुझे मतलब दूसरी जगहों पे नज़र नहीं आते, तो सबसे पहले हम उनको कवर करेंगे, इसके बाद बाकी तमाम चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगा इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, और आपको दूसरी चीज़ ये दिखाऊंगा, स्पेशल आइटम आपको दिखाऊंगा, मेरे यहाँ पे एसेसरीज़ का मेन काम है। आप मुझे बताएं पॉट के बारे में। देखिए जी, ये सारे स्पेशल पॉट्स हैं, इसमें फ़ायदा ये होता है कि दाने की आपकी बचत होती है। मेन ये कि दाना इस वक्त महंगा है, परिंदे पता है आपको दाना ज़ाया करते हैं, तो नॉर्मल वे में पहले जो दाना दिया जाता था ओपन में दिया जाता, ओपन में वो गिरा दिया जाता था। आपको रोज़ाना दाना चेंज करना है, अब वो चीज़ नहीं है, रोज़ाना दाना चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अंदर पॉट्स के अंदर आप दाना डालें, ये 2 से 3 दिन तक दाना इसके अंदर चलता रहता है। इसमें छोटा सा भी पॉट्स है। अच्छा, इस पॉट की क्या प्राइस होगी? ये 80 रुपीज़ की है। 80 रुपीज़ का। अगर आपके व्यूअर्स के उसके व्यूज़ के हवाले से आएंगे तो इंशाल्लाह उनको हम कंसेशन भी कर देंगे उसके अंदर। ठीक है। ये वाली 150 रुपीज़ की है। ये भी मतलब दाने की फीड? दाने की फीड है, फीड के लिए। ये इसका पानी का भी मिलता है, दोनों दाने के हो गए जी। अच्छा, इसमें पानी भी चलता है। अच्छा, पानी भी लगा सकते हैं। दूसरा ये पानी के हवाले से, ये भी पानी का है, इसमें ये इसका छोटा पानी का मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये आपको 70 रुपीज़ का पड़ेगा। इसका नॉर्मल भी मिलते हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे, वो 50 रुपीज़ का। अच्छा, मिलेगा। अब जो है ना, साथ में वक्त के साथ साथ जैसे मौसम तब्दील हो रहा है, तो सर्दियों में ये होता है कि बर्ड्स जो है बड़े पॉट में अगर पानी होता है तो वो नहाते हैं, तो उसमें ये होता है कि उन्हें नज़ला ज़ुकाम हो जाता है, तो ज़्यादातर हम डिस्पेंसर इस्तेमाल करते हैं। प्लस ये कि जैसे दाना ज़ाया होता है, उस हवाले से भी इनके पास तमाम किस्म के डिस्पेंसर। पहले मार्केट में ये डिस्पेंसर चल रहे थे, लेकिन ये ब्रेकेबल होते हैं, यानी अगर आपके हाथ से छूट जाता किसी वजह से तो फौरन टूट जाएगा। अच्छा, ये टूट गया। अब इसके अंदर वो एक आया है अनब्रेकेबल, यानी आप 10 दफ़ा भी इसको गिराओगे तो इंशाल्लाह ये नहीं टूटेगा। ये बड़ा अच्छा आइटम लगाया है, मुझे ज़ाती तौर पर बहुत अच्छा लगा ये पॉट है। इसकी प्राइस के हवाले से बताएं क्या इसकी? ये आपको 160 रुपीज़ का दे दूँगा। 160। और इसके अंदर ये दाने का भी पॉट आया है, ये दाने का पॉट है, इसके अंदर आप दाना डाल सकते हो, दाना इसके अंदर आप ज़ाया नहीं होगा, जितना परिंदा खाएगा वो खा के आहिस्ता आहिस्ता इसके नीचे आता रहेगा। ये कितने तक का मिल जाएगा? ये 220 का ही है। ये 220 का, लेकिन ये अनब्रेकेबल है, ये टूटेगा नहीं जी। इसके अलावा देखें, ये फिंचों के हवाले से बेस्ट है। फिंचें खासतौर पर दाना जो गिराती हैं उस हवाले से ये सीड होपर के नाम से कहलाता है। ये इसमें किसका दाना डाला जाता है? देखें, ये लग जाता है बर्तन ऊपर, ये इधर से दाना डाला जाता है, दाना यहाँ पर आता है
चिकन की जो होती है, कंगनी जो होती है, कंगनी यहाँ आती है, यहाँ पे आगे बर्ड्स खाएंगी। तो फिर ये इसका कचरा वगैरह, इसका कचरा देखें नीचे, इसका पॉट दिया हुआ है, यहाँ जाली दी हुई है, जाली से कचरा नीचे आ जाता है। अच्छा। बाद में आप इसको कचरा इसके यहाँ से अलग से आप फेंक सकते हैं, जो आप जो फैलेगा नहीं सारा दाना इसके अंदर और कचरा जमा हो जाएगा। ठीक है। और 3 से 4 दिन तक आपको फुर्सत हो जाएगी बस दाना भर के, तो आपको रोजाना का वो नहीं है। इसकी क्या प्राइस है? ये सर ये पड़ेगा आपको 420 रुपीज़ का। वैसे आपको वैसे मार्केट में देखो तो आपको 500 का भी मिल रहा है, लेकिन मैं इस वक्त कंसेशन प्राइस के अंदर रेट बता रहा हूँ आपको, आगे का बात की बात है, लेकिन फिलहाल अभी 420 का पड़ेगा। अच्छा, ये एक और दाने का पॉट है जो कि बड़े परिंदों के लिए, यानी कि ये आपके कबूतरों के हवाले से और मुर्गी के हवाले से ये पॉट होता है। ये पिंजरे के बाहर लग जाता है, जैसे जहाँ से अगर जाली है तो जाली काट दी परिंदे ने, यहाँ से मुँह डाल के दाना खा लेना है, और ये बाहर से आप आराम से इसके अंदर दाना डाल सकते हो। अच्छा, यहाँ से हम दाना डाल सकते हैं, दाना डालेंगे पिंजरे के बाहर लगा होता है, यहाँ से हम पिंजरे के अंदर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, रख सकते हैं आप अंदर, लेकिन ये बाहर से बेस्ट होता है आपके लिए, आसानी है दाना डालना और इसको संभाल करना। ठीक है, ये मेन पॉट है। इसकी क्या प्राइस है? ये आपको 450 का पड़ेगा। 450 का पड़ेगा। अच्छा, ये बाथ टब है जैसे फिंचे मच्छों को नहाने के लिए, आप उसके लिए होता है ये बजीज के लिए, फिंचे होती हैं प्लस जो है जावा जो है सर्दियों में भी नहाता है उसके लिए बाथ टब होता है। ये पिंजरे का जो होता है मेन गेट होता है वहाँ लग जाता है, इसमें आप पानी डाल दीजिए, जैसे मेन गेट पे लग जाता है ये। जी हाँ, मेन गेट पे आसानी से लग जाता है ये, मतलब ये बाहर से लगेगा, बाहर से लगेगा। ठीक है। और इसके अंदर जो है ना जावा फिंचे ये वो नहा सकती हैं आप, इसको मिसाल दोपहर के टाइम में लगा दिया उनको, थोड़ा पानी से इंजॉय कर लिया उन्होंने, खुश हो जाएंगी, थोड़ा अच्छी ब्रीडिंग करेंगी, और बाद में आप हटा लें मौसम में। क्या प्राइस है इसकी? ये सर आपको पड़ेगा 450 का। 450 का। अच्छा सर, ये एक और स्पेशल चीज़ है, ये भी मैं आपको दिखाता चलूँ साथ साथ। ये स्पेशल, ये इसमें आप मुर्गा भी आपको पानी पी सकता है। ठीक है। इस तरीके से 2 पीस में आता है ये। अच्छा, ये जो है आपका तो है, पानी कहाँ से आएगा? देखें, ये अंदर की तरफ से पिंजरे में लगाया है, आपने बाहर से लगा दिया। हर किस्म के पिंजरे में लग सकता है, आपके जाली वाले पिंजरे के अंदर भी, चकोर जो जाली आती है नमक पारे वाली, उसमें भी आप इसकी डिजाइनिंग करके कर सकते हो। ये आप लगाने के बाद इसको आपने ये इस तरीके से मूव किया, यहाँ पे आपने पेप्सी की बोतल लगा देनी है। अच्छा, अब आपने लीटर लगानी है, जंबो लगानी है, या हाफ लीटर लगानी है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वो लग जाएगी इसके अंदर आराम से। इसको आपने ये वापस ऊपर किया, आपका पानी आना शुरू होगा, आपको इसको सपोर्ट देने के लिए एक तार बांधना पड़ेगा, ताकि वो आपका जो है ना बोतल, तो छोटी बोतल लगाएंगे तो उसका वेट बर्दाश्त कर लेगा, बड़ी की भी कर लेगा, छोटी तो वैसे ही बर्दाश्त कर लेगा, बड़ी भी अगर आपको चाहिए, अगर लग रहा है आपको 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता आपने बाहर जाना है और पानी के लिए, या आपने बड़ी बोतल लगानी है, आप जंबो बोतल से आप उसको रोक, तार से आप उसको बांध दीजिए। क्या प्राइस है इसकी? सर ये 100 रुपीज़ का पड़ेगा। 100 रुपीज़ का पड़ेगा ये। और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में लोगे इंशाल्लाह आपको रियायत भी कर देंगे, डिस्काउंट हो जाएगा। ये जो है ग्रीट के हवाले से, ग्रीट आपको देने के लिए या सॉफ्ट फूड देने के लिए प्याली है ये? हाँ, अक्सर ऐसा होता है जैसे सॉफ्ट फूड देने के लिए हमें प्रॉपर पॉट नहीं मिलते, छोटे पॉट चाहिए होते, तो ये मतलब सॉफ्ट फूड या ग्रीट देने के लिए बिल्कुल ये बेहतरीन सॉफ्ट फूड और ग्रीट देने के लिए। कितने का मिल जाएगा ये? ये सर देखें, इसके 15 रुपीज़ प्राइस है, ये 60 रुपीज़ का है। अच्छा, और अगर ज़्यादा मतलब बैठने की जगह भी है, जैसे यहाँ पे परिंदा बैठ भी, यहाँ पे दिया हुआ, ये भी दिया हुआ, क्वालिटी वाइज है ये, इंशाल्लाह आपको अच्छे रेट पे ही मिल जाएगा। ठीक है। और मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप ज़्यादा लेंगे तो उसमें और मजीद बेहतर, जैसे कोई भी चीज़ क्वान्टिटी में ली जाती है तो डिस्काउंट मिलता है। अच्छा अच्छा, एक अभी ट्रेंड चल रहा है मटकी के ऊपर या बॉक्सेस के ऊपर जो है ना वो लगाया जाता है, स्टिक लगाई जाती है। बिल्कुल। तो स्टिक मेरे पास माशाल्लाह मुख्तलिफ किस्म की मौजूद है, आपको मैं दिखा देता हूँ। उसमें देखें, पहले नॉर्मल स्टिक है लकड़ी की, ये वाली सही होगी, नॉर्मल लगा दी जाती है। ये वैसे तो 15 रुपये की बिक रही है, लेकिन अगर होगा तो इंशाल्लाह 10 की भी दे दूंगा मैं, अगर ज़्यादा लेने के ऊपर। ठीक है। 15 रुपये के प्राइस हैं इसके। ठीक है। अच्छा, इसमें ये स्टिक है, ये प्लास्टिक, प्लास्टिक वाली, ये 20 रुपीज़ है इसकी रेट। अच्छा, इसके बाद फिर आ जाती है लकड़ी वाली, है अच्छी लकड़ी के अंदर। अच्छा, एक ये है और इसमें एक ये, और थोड़ा सा साइज में बड़ी है, मतलब ये बजरी वगैरह के लिए, फिशर के लिए इस्तेमाल के अंदर है, कीकर की लकड़ी के ऊपर है, ये नॉर्मल सफेदे की लकड़ी होती है, ये अच्छी इससे मजबूत बनी हुई है। ये आपको 100 की 4 मिलेंगी, दोनों आइटम जो है। अच्छा, एक इसमें ये स्टिक है, ये भी लग जाती है पिंजरे के ऊपर, ये 60 रुपीज़ की है। सही है। इसके अलावा ये प्लास्टिक की स्टिक है, एक और सामने बनाई है, वो अच्छी है, ये भी वो काफ़ी चल रही है मेरे पास। इसके अंदर जो है ना ये भी आपको 60 रुपीज़ की मिलेगी। ठीक है। ये आपको सब आइटम यहाँ पड़े हुए हैं, आप ये देख सकते हैं, स्टिक के मुख्तलिफ कलर होंगे इसके अंदर, एक कलर नहीं है, आप मुख्तलिफ कलर जो अपनी पसंद के कलर जो भी कोई आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तमाम किस्म के और तमाम माशाल्लाह वैरायटी आपके पास मौजूद है स्टिक की, कोई सी भी, और काफ़ी मतलब क्वान्टिटी में है, ऐसा नहीं है कि एक दो चीज़ अवेलेबल है, जितनी क्वांटिटी में चाहे मिल सकती है, जितनी क्वांटिटी में लेंगे तो डिस्काउंट
जरूर मिलेगा। पॉट्स के हवाले से मैं बताऊंगा, जैसे आपकी फिंचे विंचे बहुत ज़्यादा दाना वाना गिराती हैं, तो ये फिंचों के हवाले से है और चूज़ों के हवाले से है। अच्छा। इसमें आप दाना डाल सकते हो। ये पाकिस्तानी पॉट है, ये आपको 200 रुपीज़ का मिलेगा। ठीक है। अच्छा, ये क्वालिटी वाइज थोड़ा सा लो है, इस वजह से ये इसी क्वालिटी का, ये चाइना का है। अब मे भी चाइना ने कॉपी करी है, पाकिस्तान ने कॉपी करी है, मुझे अंदाजा नहीं है। लेकिन दाना वगैरह कहाँ से? इसमें भी दाना, ये इन्होंने इसमें बाकायदा चूड़ी बनाई है इसके अंदर, अच्छी क्वालिटी का बनाया है जो कि अनब्रेकेबल है। इसमें आप दाना डाल के ये रख दीजिए। आपके असल में दाना आजकल पता है आपको बाजरा कितना महंगा हो गया है, बिल्कुल उस हवाले से उसकी बचत भी करनी है और उनको भी, तो ये इस तरीके से होता है। इसमें आप बड़ी कॉलोनी में भी रख सकते हो उसको, और इसके अंदर के लिए बहुत जी ये बेस्ट है। अब मैं आपको ये पॉट्स के हवाले से बता देता हूँ। आजकल जैसे पॉट्स होते हैं, इसमें भी दाना गिराने का होता है, तो उसमें ये इस टाइप के बर्तन आते हैं जिसके ऊपर ये लगा देते हैं, परिंदे जो हैं इस पर बैठ के खाते हैं। ये कितने का मिल जाएगा? ये देखें, ये वाला जो है ये स्पेशल क्वालिटी है, यानी कि प्लास्टिक इसमें एक नंबर लगाया हुआ है। अच्छा, इसमें कीमत जो है, कीमत मतलब प्लास्टिक के हवाले से, अगर अच्छी प्लास्टिक में होगा तो कीमत ज़्यादा होगी, और जो लोकल में बना होगा। बताएं, जैसे ये और ये दोनों आइटम जो है ये 100 रुपीज़ की पेयर है। अच्छा, इसी का ये है, मतलब 50 रुपये का एक, 50 रुपये का एक, ठीक है। इसी का जो है आपको मिल जाएगा ये 70 रुपीज़ की है। ये नॉर्मल जो होता है, इसमें वेस्टेज और वो चीज़ें मिली भी होती हैं, लेकिन इतना गंदा प्लास्टिक नहीं है कि फिर भी अच्छा है। 70 रुपीज़ का इकोनॉमी के हवाले से आप ये इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इसमें छोटा साइज भी मिल जाएगा आपको। अब देखिए मेरे साहब, ये फिंचो वगैरह के लिए होते हैं जी। हाँ, फिंचो, ये छोटा साइज है, ये देखें, ये प्योर प्लास्टिक में बना हुआ है। इसकी लुक ही अलग है, उसकी माशाल्लाह खूबसूरती सफाई भी है, फिनिशिंग हर चीज़। और ये नॉर्मल वे में बना हुआ है, डाई एक ही है दोनों। देखिए दोनों में फ़र्क देखिए, एक ही चीज़ है ये। ये 50 रुपये का पेयर मिल जाएगा आपको, ये छोटा वाला। अच्छा, ये जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है। और ये 80 रुपीज़ का है। ये 80 रुपीज़ जी। हाँ, क्वालिटी वाइज अच्छा है, पिंजरे में लगेगा आपको वहाँ पे अच्छा लगेगा। ये जैसे फिंचों के लिए अच्छे हैं, छोटा साइज़ है जी। हाँ, फिंचों को देना चाहिए, कुछ लोगों को छोटे साइज चाहिए होते हैं, वो ये मिल जाते हैं। ठीक है। अच्छा, झूले वूले होते हैं, झूले भी मिल जाएंगे आपको, ये नॉर्मल झूला। अच्छा, मैं झूले देख रहा था आपके पास, झूले तकरीबन हर साइज़ का आपके पास झूला है। एक झूला जैसे मैं किसी टाइम में रिंग नेक के लिए ढूंढ रहा था, बड़ा ही झूले, इसमें देखें झूला भी मौजूद है बड़ा। ठीक है, झूले आपने देखे, एक झूला ये भी आया हुआ है जो कि नेचुरल लुक देता है, इसके अंदर बड़े परिंदे भी आराम से इसमें खुश होते हैं। इसका एक पूरा सेट है मेरे पास मौजूद, अगर आप पिंजरे में लगाएंगे तो आपका केस जो है बहुत अच्छा लगेगा। इसके अंदर आप ये साइड में ये स्टिक भी लगा सकते हैं, मुख्तलिफ साइज़ की होंगी, नेचुरल लुक देती हैं ये। सिंपली जो है ना, इसमें नट लगा हुआ है, नट लगा के आप किसी भी पिंजरे में आप लगा सकते हो। ठीक है। ये है इसका, ये डी है, ये मतलब परिंदों की बैठक के लिए होता है। खुश होते हैं परिंदे, बैठते हैं। परिंदों को आप इतना अच्छा एटमोसफियर देंगे, आपको इतने अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, और आपका पिंजरा भी अच्छा लुकिंग में भी आएगा। ये तीनों आइटम हैं इससे। क्या क्या प्राइस वगैरह क्या है इनकी? सर, ये 120 रुपीज़ का झूला है, 120 रुपये का, 120 का। अच्छा, ये वाला 60 रुपीज़ का है जी। जी, इसके ये इसकी ये स्टिक भी आपको 60 रुपीज़ की मिलेगी। ठीक है जी। जी अच्छा जी, स्टिक नॉर्मल स्टिक भी मिल जाती हैं यहाँ पे जो पहले मिलती है, लेकिन ये स्टिक आपको अच्छी क्वालिटी की मिलेगी, ये अनब्रेकेबल नहीं है। आप जैसे होता है, लोग कस्टमर आके बोलते हैं कि हमने लगाया टूट गई, टूट, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ है। ये 10 रुपीज़ की एक स्टिक होती है। अच्छा। इसके बड़े साइज़ वाली है ये 15 रुपीज़ की है। अच्छा, ये भी एक साइड पे लग जाती है स्टिक। इसके अंदर एक स्टिक और आती है, ये स्क्रू वाली स्टिक होती है। ये सारी मतलब केज में लग जाती है? केजेस में लग जाएगी, किसी भी केजेस के अंदर, उसमें सिंपली स्क्रू खोल के वो लगा दिया। स्क्रू वाली है जी। ठीक है। इसके अलावा एक स्टिक और होगी, मैं आपको दिखाऊँगा। ये आपका पिंजरा जो भी होता है 1.5 फीट की चौड़ाई का होता है, उसमें भी ये स्टिक लग जाती है 1.5 फीट की। ये भी एक पूरा साइज़ होता है जी। हाँ, ये आराम से इसको आप लगा दीजिए, मुख्तलिफ कलर में मौजूद हैं। ये खोल के ये जरा पिंजरे का लुक भी अच्छा होता है, परिंदा भी खुश होता है इससे, ज़बरदस्त। अच्छा, ये तो अच्छा, इसी के साथ ना मुझे ना डिस्पेंसर भी और नज़र आ रहे हैं। जैसे अभी जैसे सर्दियों का मौसम होता है, प्लस ये कि लोग जैसे परिंदों को ट्रैवल करते हैं तो भी चाहिए होते हैं, तो उस हवाले से मुझे बताएं, मुख्तलिफ साइज़ के मुख्तलिफ कलर के नज़र आ रहे हैं। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, मुख्तलिफ साइज़ के मुख्तलिफ कलर के और मुख्तलिफ कंपनियों के ये डिस्पेंसर हैं। इसमें देखें, ये छोटा डिस्पेंसर है। इसमें दो किस्म के डिस्पेंसर होते हैं, ये प्योर के अंदर बना हुआ है। अच्छा। इसमें 50 रुपीज़ का है। ठीक है। इसी का जो है सादे में मिलेगा आपको 40 रुपीज़ का होगा, छोटा साइज़ का, वो गालिबन टाइप का होता है, इसी साइज़ का होता है, 40 रुपीज़ का होता है, छोटा। अच्छा। साइज़ का। इसमें ये आ जाता है 50 रुपीज़ का डिस्पेंसर है ये। ये नॉर्मल प्लास्टिक का बना हुआ है। इसी में प्योर में जब आ जाएंगे तो आपको 60 रुपीज़ का मिलेगा ये। नॉर्मल प्लास्टिक ये अच्छा है, फ्लोरोसेंट है, प्लास्टिक है, और चीज़ भी अच्छी है। अच्छा, ये डिस्पेंसर जो है ये बहुत पुराना, जैसे पहले स्टार्ट जो इसी से ही हुआ था ये डिस्पेंसर, ये 50 रुपीज़ का मिल जाएगा आपको।
इसमें अगर आप अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो 70 रुपीज़ का डिस्पेंसर है, अच्छी क्वालिटी का। ठीक है। अच्छा, इनके पास तो तमाम किस्म के कैचर भी मौजूद हैं, तमाम साइज़ के। मैं अंदर भी देख रहा हूँ मुख्तलिफ किस्म के, मुख्तलिफ साइज़ के, जैसे फिंचों के लिए चाहिए होते हैं, लव बर्ड के लिए, कॉकटेल के लिए, बड़े भी चाहिए होते हैं, तो वो तमाम के तमाम इनके पास मिल जाएंगे। इसके साथ साथ अच्छा एक यूनिक चीज़ मुझे नज़र आई थी, वो आ रही थी एग्स या अंडे। ये इनके पास आर्टिफिशियल अंडे पड़े हुए थे, इसके हवाले से मुझे बताएं कि इसमें मुख्तलिफ साइज़ के बड़े छोटे अंडे आपके पास मौजूद हैं, इसका क्या मकसद है? इसमें देखें आपके पास फिंचों के एग भी मिल जाएंगे। ये फिंचों के एग है, छोटे वाले कोने में आप देख रहे हैं, बराबर में कबूतर के एग आ गए, उसके बाद आ गए फिशर के, आ गए फिशर्स के, लोटीनों के, फिर ये मुर्गियों के एग हैं। ये चार किस्म के एग होते हैं। इसमें एग का इसका यूजेस ये है कि सर जैसे कहीं पर अगर परिंदा अंडे तोड़ रहा होता है, उसको आदत होती है अंडे तोड़ने की, तो ये एग रख दिए जाते हैं, उसको मार मार के जो अंडे तोड़ना नहीं टूटते होते तो उसकी वो एक आदत ख़त्म हो जाती है, नंबर वन हो गया। जैसे मुर्गी की बहुत ज़्यादा शिकायत है, अंडे खा जाती है, तोड़ देती है, उसमें मुर्गी का एग डाल दिया जाता है। नंबर टू इसका ये है कि अंडे नहीं दे रहे होते तो ये रखे जाते हैं अंडे, इसको देखेंगे अंडों की तरह होती है कि हाँ भाई अंडे। अच्छा, एक इस्तेमाल और बता रहे थे जो हम भी इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कोई महंगे बर्ड्स होते हैं, ठीक है, और वो उसको उसके हम अंडे फॉस्टर कर देते हैं, तो फिर होता ये है कि वो मतलब उसके अंडे हम निकाल लेते हैं, वो दोबारा ब्रीड पे आ जाता है। अब इसमें पोस्टिंग के हवाले से होता है, पोस्टिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मिसाल तौर पर ये है कि ये आपका जो है ये फिशर्स के लिए होता है, लोडिनो के लिए होता है। अब आपने लोडिनो या एल्बिनो पाला हुआ, एल्बिनो पता है आपको 25 से 26 हज़ार रुपये गालिबन इतने प्लस माइनस का रेट होता है। आपने वो पाल लिया, साथ आपने पोस्टिंग के हवाले से आपने फिशर रख लिया जो 2500-3000 का होता है। अब उसके एग निकले तो होता है कि इसको इन एगों को, इनके ओरिजिनल एगों को फिशर के नीचे रख दिया जाता है, लेकिन जब आप उसके एग हटाएंगे तो फिशर वो लोटीनो आपके अंडे दे देगा, लेकिन आपने उनसे जल्दी जल्दी एग भी नहीं लेने, क्योंकि उससे फिर उसकी कैल्शियम की कमी और कमजोरी हो जाती है। तो उसको आप थोड़ा रेस्ट कराने के लिए आप ये डमी एग रख दिए जाते हैं। डमी एग हैं ये सारे, और सॉलिड हैं ये, वो नहीं है, वो सॉलिड होते हैं। ये वाला एक दफ़ा ले लिया आपने और समझो आपकी ज़िंदगी भर चलते रहेंगे। इनकी क्या प्राइस, कहाँ से कहाँ तक इनकी प्राइस चल रही है? सर ये 50 रुपीज़ का एक आएगा, 50 रुपीज़ का एक, 50 का कोई सा भी ले लें आप इसके अंदर, कोई सा भी ले। हाँ, इसमें मिल जाएगा, ये पोस्टिंग के हवाले से भी बहुत काम आते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ना आपके पास जो है मतलब ये डफ के लिए हम छलनियाँ इस्तेमाल करते हैं, तो ये छलनियाँ नज़र आ रही हैं, इसकी क्या प्राइस होगी? इसका देखें डायमंड डफ में चलती है और पाकिस्तानी डफ में चलती है, ये ओपन एरिया में दे रही होती हैं, तो इस पर मुख्तलिफ छन्नियाँ देखें। ये नॉर्मल छन्नी है जो चाय छन्नी कहलाती है, ये छोटा साइज़ और बड़ा साइज़ है। इसमें होता है छन्नी को इस तरीके से मूव करके लगा दिया जाता है, ये करके अपने ऊपर पिंजरे के ऊपर भी अपना जो है इसके ऊपर अंडे दे देती हैं। ठीक है, ये छोटा साइज है, ये पड़ेगा आपको 60 रुपीज़ का, इसका बड़ा साइज़ है 70 रुपीज़ का। ठीक है सर, ठीक है, ये भी इसी तरीके से। अच्छा, इसके अलावा इनके साथ साथ मुख्तलिफ वैरायटी भी होती है। अच्छा, देखें एक ये छन्नी है, ये आपको कोटेड मिलेगी, अच्छी है, एक्सपोर्ट हो रहा है, हमारा एक्सपोर्ट वाला माल है, दुबई वही जाता है माल, ये आपको 120 की मिल जाएगी। सही है। अच्छा, ये बार बार कहूँगा कि क्वान्टिटी लेंगे तो आपको इंशाल्लाह वो रेट का भी डिस्काउंट हो जाएगा। इसमें एक ही छन्नी है, ये बड़ी डब भी आसानी से इसमें दे सकती है, और छोटी डब को भी आप रखें तो उसमें कुछ आदगी आ जाती है। ये 200 रुपीज़ की है। ये कबूतर के हवाले से ये बड़ी पाकिस्तानी जो डफ होती है उसकी भी छन्नी मौजूद है ये। अच्छा जी हाँ, ये भी 200 की दे दूँगा। कुमरी कहते हैं, कुमरी के लिए जी हाँ, कुमरी के लिए। इसमें ये परिंदा.com वालों की भी छन्नी मौजूद है, आपको ये भी मिलेगी इंशाल्लाह। इनकी कुछ प्राइस वगैरह भी बताएं ताकि लोगों को। ये 200 की सर दे दूँगा, हालांकि 250 के रेट चल रहा है, इसके बड़ा साइज है, लेकिन 200 की दे दूँगा आपके चैनल के हवाले से। ये वाली छन्नी जो है ये 180 रुपीज़ की, ये 120 रुपीज़ की जी, और ये छन्नी जो है आपको 140 की मिल जाएगी। ठीक है। इसके अंदर ये कबूतरों की भी देखें, एक वो पहले ज़माने में मिट्टी के बर्तन रखे जाते थे, हाँ वो भी रख सकते हैं। इसके अलावा ये भी होता है, ये भी अंडे देने के लिए होता है कबूतरों के। अच्छा, कबूतरों के लिए जी हाँ, ये भी इसके अंडे देते हैं, इसमें ये भी मिल जाएगा कबूतरों का। और एक अच्छा, इसके अलावा आपके पास ना मतलब मैं देख रहा था कि मुर्गी के तमाम किस्म के पॉट नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत खूबसूरत सा पॉट नज़र आ रहा है मुर्गी का, इस हवाले से बताइएगा मुझे इसकी क्या क्या प्राइस है इसकी? ये थोड़ा कॉस्टली है, नॉर्मल पॉट भी मिल जाता है दाने का, ये इसमें दाना ज़ाया नहीं होता, ये दाने ये 350 रुपीज़ का पॉट है। ज़्यादा इस तरह के जैसे मैंने पानी के पॉट देखे, लेकिन नॉर्मल पॉट जो है ना वो ये होते हैं, आपको मैं दिखाता हूँ, इस टाइप के पॉट होते हैं। अच्छा नॉर्मल, हाँ हम लोग अक्सर जो देखते हैं वो दाने के पॉट इस तरह के होते हैं। अच्छा, ये जो पॉट ये छोटे साइज़ का है, इनके पास ये बड़े साइज़ के भी पॉट लगे हुए मिल जाएंगे आपको, मेटल के अंदर भी मिल जाएंगे, और मेटल में भी बड़े साइज़ के भी मिल जाएंगे। प्लस ये कि इनके पास अगर जो पानी की बोतलें हैं वो भी हर साइज़ की इनके पास मौजूद है, बड़ी छोटी,
तमाम किस्म की कोई लेना चाहे तो ले सकता है। अच्छा, आपके पास स्टिक की भी तमाम किस्म की वैरायटी नज़र आ रही है। ये है तो मुझे इसके देखें, मतलब बताएं इस बारे में। ये स्टिक है, गोल स्टिक है, ये कीकर वाली जो होती है 4 फीट वाली। ठीक है, ये आपको 80 रुपीज़ की मिल जाएगी। और इसमें 3 फीट वाली है ये 60। अच्छा, इनके पास जो है वुडन भी तमाम साइज़ की और तमाम तरह की स्टिक्स है। और अक्सर लोग प्लास्टिक की स्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मेरे भी पिंजरे में इस तरह की लगी हुई है। जी हाँ, ये कितने की मिल जाएगी? ये आपको मिलेगी 40 रुपीज़ की है। 40 फीट की है ये। अच्छा, इसके अंदर इसमें 3 किस्म के साइज होते हैं। ये बड़ी बड़े परिंदों के लिए है ये। हाँ, एक इसके दरमियानी स्टिक होती है, वो भी अंदर रखिएगा आप, वो भी दिखा दूंगा मैं आपको। ये 110 रुपीज़ की है। इसमें एक 80 रुपीज़ की आती है मोटी स्टिक, वो अंदर रखी हुई है, वो आपको दिखा देते हैं। इसमें 1.5 फीट की भी स्टिक आती है, लकड़ी वाली पिंजरे की जो होती है, 1.5 फीट की कट लगे होते हैं, आराम से ये लग जाती है। लोग ये स्टिक भी बहुत पसंद करते हैं, आराम से बैठ जाता है। ये 50 रुपीज़ की होती है। ठीक। अच्छा, यहाँ मुझे जो है ना मुर्गी के जितने भी पॉट हैं पानी के, ये नज़र आ रहे हैं। इसके साथ साथ ये जो है, ये क्या चीज़ है? ये फिंचों के हवाले से होता है। ये फिंचों की, जैसे आप मटकी वटकी लगाते हैं फिंचों की, ये भी टोकरी लगाई जाती है। ये टोकरी जो है ना, फिंचें जल्दी एक्सेप्ट करती हैं। अच्छा, ये नेचुरल लुक देती हैं इसके अंदर ये फिंचें जो हैं, ये होती है। ये 180 रुपीज़ की टोकरी है इसमें। अच्छा, ये साथ साथ ये बताता रहा हूँ, ये पॉट्स हैं, ये हर परिंदे में इस्तेमाल में आएंगे। यानी आप बजीज को भी दे सकते हो, फिशर को भी, पानी के ये पॉट्स हैं सारे ये। अच्छा, आपके पास हंडिया भी तमाम किस्म की नज़र आ रही हैं, तमाम किस्म की इनके पास, जैसे बजरी की, जी, फिंच की, तमाम। एक चीज़ और दिखाऊँ मैं आपको, ये देखें, ये भी फिंचों के हवाले से बेस्ट होता है। इसमें मुख्तलिफ साइज़ के आपको इसके होम मिल जाएंगे और चीज़ें मिल जाएंगी। खूबसूरत, बहुत अच्छा आजकल चल रहा है, कलेक्शन है पूरा ये। जी देखिए, मेरे पास इंक्यूबेटर भी मिल जाएंगे आपको मुख्तलिफ बैग के। तो ये क्या ऑटोमेटिक है या मतलब मैनुअल है? देखिए, मैं है? आपको एक मशवरा दूं, आप ऑटोमेटिक के ऊपर जाएंगे तो 12 से 15 हज़ार रुपये का होता है। इसी में ये चीज़ है, मैनुअल होती है ये। ये आपको पड़ेगा 3200 रुपये का, 40 हंडो का। अच्छा, अच्छा, मेरा मशवरा ये, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है और वर्किंग है, लोग ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिक नहीं लेना चाहिए उसको, ज़्यादातर आपको मैनुअल। क्योंकि इसमें आपको सिर्फ दिन में 2 दफ़ा इसको अंडों को आपने रोटेट करना है। अच्छा, और जब आप इतना काम कर रहे हैं तो कम से कम दो मिनट तो दे सकते हो ना आप दिन के अंदर, एक सुबह और शाम। इसके अंदर ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल मौजूद है। इसके अंदर एक ट्रे होती है अंदर, वो जो है ना इसके अंदर, इसमें मतलब फिलहाल सामान रखा हुआ है। हाँ, कोई मसला नहीं। ये ट्रे होती है, इसके अंदर आप अंडे रख दिए जाते हैं। नीचे प्लेट होती है, इसके अंदर पानी रखा जाता है, ह्यूमिडिटी कंट्रोल। जो भी आएगा उसको माशाल्लाह समझा के दूंगा इंशाल्लाह, पूरा गाइड करेंगे, गाइड करेंगे। बाद सर्विस भी होती है हमारी, तो कोई प्रॉब्लम आ रही है तो फ़ोन के और हमसे पूछ सकते हैं। ये ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल होता है इसके अंदर, और इसके अंदर दोनों किस्म के मिलते हैं आपको। जैसे मेरे पास ये इंक्यूबेटर रखा हुआ है, ये आपको देख रहे हैं आप, इसके अंदर 2 टेम्परेचर कंट्रोल लगे हुए हैं। यानी कि अगर आप इसको बैटरी से भी चला सकते हो, आपकी लाइट जाती है, और आप नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी से भी चला सकते हो। अच्छा देखिए, मेरे पास बॉक्सेस भी बहुत मिलेंगे हर किस्म के। ये आपको, ये जैसे आप ये देख रहे हो, ये वाले, ये फिंच का बॉक्स है, ये आपको 150 रुपीज़ का मिल जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा इसमें एक बॉक्स आता है, ये ऑस्ट्रेलियन के हवाले से होता है, ये लासानी के अंदर है ये बॉक्स जो है। ये ऊपर से इसका दरवाज़ा खुल जाता है, खोलना चाहे तो। ये 220 का मिलेगा, मार्केट में 250 का बिक रहा है। इसके अलावा फिंचों का देखें, एक बॉक्स ये आता है, ये आप देख रहे होंगे, ये वाला, ये वाला बॉक्स, ये 180 रुपीज़ का मिल जाएगा। अच्छी वैरायटी है ये भी चलती है। इसके अलावा आपको देखें, ये फिशर के बॉक्स है, नॉर्मल फिशर के प्लाई वाले, ये भी दोनों साइडों के गेट की मिल जाता है, लेफ्ट साइड वाला या राइट साइड वाला, ये 250 रुपीज़ का प्राइस है। इसके अलावा इससे बड़ा बॉक्स आता है कॉकटेल का, ये कॉकटेल के बॉक्स है, ये वो बड़े साइज़ के, ये भी मिल जाएंगे आपको। और ये देखें, ये बॉक्स रखा हुआ, ये वाला में, ये कीकर के अंदर है, ये आपका ग्रीन रिंग नेक के बाद ये बॉक्स, मतलब बॉक्स की आपको पास यूँ समझे कि फिंच से लेके जो है रिंग नेक तक का बॉक्स मिल जाएगा, और हर साइज और हर मतलब मुख्तलिफ डिज़ाइन में अगर कोई लेना चाहे तो इनसे रब्ता कर सकता है। आखिर में आप अपना नाम, नंबर और लोकेशन बताएं। देखिए सर, नाम मेरा इरफान अहमद है, और ये दुकान इरफान बर्ड जोन के नाम से, लियाकताबाद परिंदा मार्केट के अंदर। आप लियाकताबाद आए, लाल के 10 नंबर पर आएंगे, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल के साथ जो परिंदा मार्केट है या संडे बाजार भी लगता है, उसी में बिल्कुल मिट्टी के अंदर मौजूद है दुकान। और मोबाइल पर आप रब्ता करेंगे, मोबाइल देखें आपके उस पर भी आ रहा होगा नंबर, लेकिन मैं आपको दोहरा देता हूँ, 0314-217-0861। आप इसके ऊपर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए इस वीडियो के हवाले से, तो इंशाल्लाह आपको
सर्विस मिलेगी और अच्छी चीज़ें आपको हम मुहैया करेंगे।